संभल में दो पक्षों में हुआ विवाद, जमकर चली गोलियां, 9 लोग हुए घायल, 2 की हालत बनी गंभीर। सूचना पर पहुंची डायल 112 पुलिस, घायलों को संयुक्त चिकित्सालय चंदौसी में कराया गया भर्ती। स्वास्थ्य विभाग की दिखी बड़ी लापरवाही, घायलों को नहीं मिला स्ट्रेचर, परिजन गोदी में ले जाने को हुए मजबूर। थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी। संभल के थाना कुरु फतेहगंज गांव मल्लापुर भवानी का है पूरा मामला। सीताराम कहाँ रहते हैं? मनपुर भवानी। ये आपके गोली कैसे लगी? मेरी भतीजी के एक्सीडेंट, मेरी नातिनी के एक्सीडेंट करके भाग गया। हम उससे मिलने गए उस वहाँ, तो उसने कही 100 नंबर आ गई, 100 नंबर पकड़ के छोड़ दिया उसे। हम गए समझान, साहब गोली चालू कर दी वहाँ। कहाँ का व्यक्ति? गांव का ही है। अच्छा, क्या नाम सर आपका? आप उधर जाकर बात कर लो। मेरा सोमवीर नाम है। कहाँ रहते हैं? मल्लपुर भवानी। ये आज गोलीबारी की आप घटना बता रहे हैं, क्या मामला है पूरा? मामला था ये कि हमारे भैया की लड़की के ये एक्सीडेंट कर रहा था मोटरसाइकिल से। कौन? खुशी राम। ये कहाँ का रहने वाला? मल्लपुर भवानी का। तो वहाँ पर रफा थफा करके वो भेज दिया घर को कि तू जा घर, कोई बात नहीं है चल। फिर वहाँ से निकलने के बाद में गाली दी उसने, कहा भोसड़ी वाला आओ, कौन सा साला बनेगा, क्या करेगा। तो वहाँ फिर 100 नंबर को उन्होंने फ़ोन कर दिया था, नहीं ये तो पहले रास्ता घेरूंगा, पल्ली तरफ आओगे तो मारूंगा।